राशि चक्र के हिसाब से 11वीं राशि कुंभ है। कुंभ राशि वायु तत्व और स्थिर राशि है। कुंभ राशि का आधिपत्य ये शनि के पास है। कुंभ जातक जो होते हैं वो मिलनसार होते हैं, मन की था पाना इनके आसान नहीं है। अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाने वाले ये होते हैं। इनमें व्यक्ति को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक कार्यों में सफलता ये प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर भावुक और संवेदनशील होते हैं, साथ ही साथ आत्मविश्वासी भी होते हैं। कुंभ जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके धन भाव पर आ जाएंगे जो वर्ष के अंत तक रहेंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 अप्रैल तक द्वादश भाव पर रहेंगे, मकर राशि में द्वादश भाव पर, और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा शनि का। फिर वहां से वक्री होकर के फिर से द्वादश भाव पर आ जाएंगे 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 17 मार्च तक चतुर्थ भाव में और फिर तृतीय में। केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 17 मार्च तक दशम स्थान और 17 मार्च से वर्ष के अंत तक भाग्य स्थान को सुशोभित करेंगे। तो इस प्रकार की गोचरी स्थिति के कारण से कुंभ जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 अप्रैल तक जो है समय प्रतिकूल है। शनि द्वादश भाव में और गुरु प्रथम स्थान पर, राहु पंचम और केतु भाग्य में, ये सब एक ही साथ आपके लिए समय और ज़्यादा तकलीफदेह बना सकता है। सुख सुविधाओं पर व्यय करना होगा। गुप्त शत्रुओं का सामना भी इस अंतराल में आपको करना पड़ सकता है। सगे संबंधियों से रिश्तों में दूरियां आ सकती है। धर्म कर्म में मन कम लगेगा। आय में अस्थिरता रहेगी। मानसिक अशांति अनुभव करेंगे। पिता से सहयोग वाला रवैया नहीं मिलेगा, जिससे मनमुटाव बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ेगा, जिससे घरेलू परेशानियां बढ़ सकती है। गृहस्थी के मामलों में धैर्य से काम करें। अचानक आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना बढ़ रही है। और अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो नौकरी में बदलाव भी करना पड़ सकता है। इन दिनों यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। क्रोध और उत्तेजना की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर व्यय होने की संभावना बन रही है। वाहन आदि का भी ध्यान दें। वाहन पर खर्च करना पड़ सकता है या वाहन से कुछ दुर्घटना आदि भी हो सकती है। इस अंतराल में विशेष सावधानी रखें। जरूरी काम जो है वो समय पर पूरे करें और जो जहाँ पर टाइम बाइंडिंग है, जो चीज़ समय पर करना है उसके समय के पहले ही उसे पूरा करने की कोशिश करें। 17 मार्च से समय ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा, परंतु पहले केतु और फिर 13 अप्रैल से गुरु आपके धन भाव को संभालेंगे। 29 अप्रैल को शनि प्रथम भाव में आ जाएगा तो द्वादश से तो ठीक है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आय और धन भाव में आपको उपलब्धियां हासिल करवाने के अवसर देगा। नए संबंधों से आने वाला जो समय है वो उसमें लाभ मिल रहा है आपको। कठिन से कठिन कार्यों को आप अपनी क्षमताओं से कर सकेंगे और इस अवधि में कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। यश में वृद्धि हो रही है। आत्मविश्वास बना रहेगा। छात्रों को पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। पराक्रम और पुरुषार्थ से सफलता हासिल कर सकेंगे। परिवार में सुलह शांति रहेगी। गुरुओं, संतों, श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने का सुअवसर आपको मिल सकता है। धन लाभ और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुखों में वृद्धि हो रही है। धार्मिक विषयों में रुचि और व्यय बढ़ रहा है। करियर और कार्यक्षेत्र में से संबंधित उचित निर्णय आप ले पाएंगे। इन विषयों के लिए ये सब समय अच्छा है और इसका लाभ उठाना चाहिए। जोश और उत्साह से अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन राहु चतुर्थ में और 12 जुलाई से शनि फिर से द्वादश भाव में जब आ जाएगा तब चिंता देना शुरू कर देगा। माता से संबंधित चिंता रहेगी, जिससे आप परेशान रहेंगे। परिवार में तनावपूर्ण शांति का वातावरण रह सकता है। धन संचय में कमी आ रही है। महिलाओं पर व्यय अधिक करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों से वैचारिक मतभेद में वृद्धि हो रही है। आय में कमी, व्यय में अधिकता रहेगी। मानसिक तनाव बढ़ रहा है। व्यस्तताएं भी बढ़ेगी। इस प्रकार से यह जो वर्ष है वो कुंभ जातकों के लिए आमतौर पर मध्यम कह सकते हैं, या गुरु और राहु आपके लिए मार्च अप्रैल के बाद बढ़िया रहेंगे। शनि और राहु आपको पीड़ित करते रहेंगे। वर्ष की को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार करें। बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ हर रविवार करें। उड़द काले
कपड़े में डाल करके नदी में प्रवाहित करें शनिवार के दिन, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से गुरु महाराज की पीड़ा कम हो सकती है।